उज्जैन जिले में 25 तारीख को महाकाल थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसकी विवेचना SIT के द्वारा की जा रही थी। इसमें आज जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी तक पहुंचने में एक मुखबिर है जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा जो हमारा टेक्निकल डेटा था जिसके बेसिस पर हमने 5 और लोगों से पूछताछ की थी उनको भी इस विवेचना का पार्ट बनाया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा के थे जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहां पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहां उससे सीमेंटेड रोड है उससे टकरा के गिरे जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो है उनको भी चोट लगी है जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक रितेश जी उनको भी चोटें आई हैं। उज्जैन में जिसने अचंभ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है।